हेलो स्टूडेंट्स, द सेशन फॉर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट रीजनिंग, चैप्टर 11, लेक्चर नंबर 1, टॉपिक जंबल वर्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ जंबल वर्ड्स। जंबल सेंटेंसेस आर फॉल शॉर्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वेश्चन। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट, वर्ड्स ऑफ सेंटेंस और फ्यू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर मिक्स्ड अप जंबल्ड। यू आर टू रीअरेंज दोज पार्ट्स टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। बेटा, जंबल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें अल्फाबेट क्या होता है, सीक्वेंस में नहीं लिखे होते। उन अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस बनाना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं जंबल वर्ड्स। गिवन बिलो सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये फर्स्ट यू ओ टी एच सी। अब इन्हीं अल्फाबेट को रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो यू ओ टी एच सी इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, टच। सेकेंड एच ए डबल सी ई एन, अल्फाबेट को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, चांस। एस टी ए के ई आई एम ने रीअरेंज करके अल्फाबेट को मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, मिस्टेक। आर ई एन यू डी ने रीअरेंज करके अल्फाबेट को मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, अंडर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। बेटा देखिए, ये एक अल्फाबेट लिखे हुए हैं सी ए डी सी आई टी ई एन। इन्हीं अल्फाबेट को रीअरेंज करके इसमें से सेलेक्ट करना है कि राइट स्पेलिंग हमारी क्या है। ओके, ए में लिखा हुआ है ए सी आई डी ई एन टी, बी में लिखा हुआ है ए डबल सी आई डी ए एन टी, सी में लिखा हुआ है ए डबल सी आई डी ई एन टी, डी में लिखा हुआ है ए डबल सी आई डी ए डबल एन टी और ई में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो अब इस अल्फाबेट को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड हमारा क्या बनना है वो हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो राइट आंसर इज सी, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ए डबल सी आई डी ई एन टी। ओके, दिस इज योर होमवर्क अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर जंबल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। फर्स्ट में लिखा हुआ है एन एम डबल ए आई एल। अब इन्हीं अल्फाबेट को रीअरेंज करके आप राइट एंड मीनिंगफुल वर्ड यहां पे लिखोगे। ओके, देन सेकेंड में लिखा हुआ है ई टी आई के, अल्फाबेट को रीअरेंज करो और मीनिंगफुल वर्ड यहां पे लिखना है आपको। सी एल ए एस पी डबल ई, अल्फाबेट को रीअरेंज करो और मीनिंगफुल वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। डी जी एच आई डबल टी, अल्फाबेट को रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे लिखना है। ओके बेटा, सेकेंड क्वेश्चन, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। बेटा, इन जंबल लेटर को रीअरेंज करके आपको इसमें जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है उसको सेलेक्ट करना है, इन वाले अल्फाबेट को रीअरेंज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए बेटा, इसमें दिया हुआ है सेंटेंस पर्सन स्लैश माय स्लैश इज ए स्लैश ग्रैंडफादर वेरी बिजी।
तो आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है इन्हीं वर्ड से। सबसे पहले सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सिलेक्ट करोगे इसमें, सब्जेक्ट क्या है, देन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देन ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सेम हियर, इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें सबसे लिखा हुआ द लायन स्लैश नाउ एज स्लैश किंग स्लैश इज स्लैश द जंगल स्लैश ऑफ द। तो अभी इन्हीं वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें लिखा हुआ है गॉड स्लैश ट्रू स्लैश वी स्लैश डेली प्रे। अब इसमें फाइंड क्या करोगे, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, वी विल डिस्कस प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 10। ओके, देखिए बेटा, जैसे क्रूअल, क्रूअल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, काइंड। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि ब्लंट का अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो ब्लंट का अपोजिट वर्ड होता है बेटा शार्प। क्रूअलनेस होता है निर्दयी और काइंडनेस होता है दयालु। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 2, सर्कस में एंटरटेनमेंट होता है, तो हमें फाइंड करना था टेंपल में क्या होता है। तो बेटा टेंपल में क्या होता है, वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 3, फिजिशियन, फिजिशियन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो जजमेंट, जज क्या करता है, तो बेटा जब फिजिशियन, फिजिशियन का फंक्शन क्या होता है, ट्रीटमेंट करना, तो जज का फंक्शन क्या होगा, जजमेंट लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुड, गुड का अपोजिट वर्ड होता है बेटा बैड। तो रूफ का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो राइट आंसर इज फ्लोवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स, वर्ड्स क्या करती हैं, शेपिंग करती हैं। तो हॉर्स क्या करते हैं, अब इसमें वर्ड्स का साउंड क्या होता है, शेपिंग करना, चहचहाना। तो हॉर्स का साउंड क्या होता है, नी, नी, क्या करना, हिन हिनाना। ओके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर रफ नोटबुक। आई विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।